नमस्ते, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। अगर आप जिंदगी में थोड़े से भी परेशान चल रहे हैं, सोच रहे हैं कि लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, बहुत कोशिश करके देख ली लेकिन बात नहीं बन पा रही है, पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ, तो एक छोटी सी कहानी सुनिएगा। एक बार एक गांव में बाढ़ आ गई। गांव नदी के किनारे था। उस गांव में एक मंदिर था और पुजारी जो थे वो निश्चिंत मंदिर में बैठे हुए थे और कह रहे थे कि भगवान जी आप मुझे बचा लोगे, मुझे टेंशन की जरूरत ही नहीं। इस सब के बीच में गांव का एक आदमी पहुंचा मंदिर में और पुजारी से कहा, पंडित जी चलो महाराज बाढ़ आ रही है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ऊपर वाला मुझे बचाएगा, मुझे क्या डरने की जरूरत है। थोड़ी देर बाद पानी और बढ़ता चला गया, पानी धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ने लगा। वो आदमी जो पहले आया था वो दोबारा से आया और इस बार नाव लेके आया। बोला महाराज चल लो बाढ़ आ रही है, फंस जाओगे आप। बोले अरे मूर्ख इंसान, मेरे साथ ऊपर वाला है, मुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तू जा। थोड़ी देर के बाद में और पानी बढ़ने लगा। अब पानी इतना बढ़ चुका था कि पंडित जी को शरण लेने के लिए मंदिर की छत पर चढ़ना पड़ गया। इस सब के बीच में गांव में रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर आया। हेलीकॉप्टर से रस्सी फेंकी गई, आवाज दी गई, पंडित जी महाराज आ जाओ ऊपर, प्रभु सुन लो हमारी, बाढ़ आ गई है, आप बच नहीं पाओगे। उन्होंने कहा अरे मूर्ख इंसान, टेक्नोलॉजी की बातें कर रहा है, ऊपर वाला मुझे बचाएगा, मेरा ऊपर वाला मेरे साथ है। वो भी चला गया। पंडित जी को अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, पानी बढ़ता जा रहा था। भगवान को कोसने लगे, बोले ऊपर वाले क्या हो रहा है, मैं आपको इतनी देर से बोल रहा हूं कि आप मुझे बचाओगे, बचा नहीं रहे हो। अचानक ऊपर से आवाज आई, आकाशवाणी हुई और आवाज आई कि मूर्ख इंसान, तीन बार बचाने आया था, तीनों बार मैं ही तो था। पहली बार मैं पैदल ले जाने आया था, दूसरी बार नाव में ले जाने आया था, तीसरी बार हेलीकॉप्टर में ले जाने आया था, लेकिन तुमने मालूम नहीं क्यों नहीं सुना। जिंदगी में भी यही होता है, अपॉर्चुनिटीज हमारे आसपास होती हैं लेकिन हम मालूम नहीं किसका इंतजार कर रहे होते हैं। सही वक्त और सही काम कभी नहीं आएगा, आप पर डिपेंड करता है कि आप वक्त को कब सही और काम को कब सही बनाएंगे। 94.3 FM से मैं आपसे यही कहूंगा, जिंदगी में मुस्कुराते चलिए, दबाव में आने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर जो है वो किसी और में नहीं, कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।